ये देख लो इसने क्या हाल किया अपने हाथों का। मेरी लिपस्टिक लेके बैठा हुआ था ये। ये सब वॉश करना पड़ेगा। अभी मार्केट जा रहे हैं हम, और इसको मैंने तैयार पहले कर दिया। मैंने कहा चलो ये तैयार हो जाएगा बच्चा, फिर फ्री हो जाऊंगी मैं, फटाफट से सारे काम निपट जाएंगे। ये देखो इसने मेरा काम बढ़ा दिया, तो इतना शुक्र है कपड़े बच गए। वाइट कपड़े पहने हुए इसने, इतना शुक्र है कपड़े बच गए। क्या किया दक्षु? ये दक्षु इधर देखो, दक्षु दक्ष इधर, अब नहीं देखेगा ये। बहुत खराब है ये, इतना शरारती हो गया ना ये। अब देखो, अब नजरें नीचे। इसको पता है कि मेरी गलती है, मैंने कुछ गलत किया है, इतनी समझ है इसको। और इसने मेरी ये वाली लिपस्टिक है ना, ये जो है इसका, ये पीछे का खोल दिया ऐसे, ये पीछे वाला ये खुल जाता है। ये देखो ये पीछे ना इसके आई शेडो के लिए दिया होता है सबसे पीछे लिपस्टिक में, और ये लिपस्टिक ऐसे है, ये इसके पीछे ये दे रखा होता है। और इसमें देखो इसने पूरी उंगली घुसा के ये गड्ढा कर दिया और सारा निकाल दिया, पूरे हैंड्स और पूरा अपने लेग पूरी गंदी कर ली इसने। अब दूसरी उठा ली, देखो हाँ ये देखो, अब दूसरी उठा ली इसी के साथ की। ये रेड वाली है, ये ऑरेंज वाली है। चल नहीं मिलेगी अब, अब तो देखो मेरा काम बढ़ा देते हो। नो अब नहीं मिलेगा बेटा, नो चलो चलो। ये देखो कहाँ हाथ घुसा रहा है ये दक्षु, डर नहीं है, है ना? देखो उसी के पीछे पड़ा हुआ ये, ये फिर गया हाथ। अब दूसरी वाली उठाएगा, ये उठा ली, और जब मैं इसे लेके रखूंगी फिर ये रोएगा। ये देखो देख लो भाई, सब दक्षु रो रहा है, देखो कितनी जिद करने लग गया ये। और ये वॉल में भी इसने निशान लगा दिए सारे, अब नहीं ये साफ सुथरी रहने वाली दीवारें मेरी। अब ये शैतान है ना, तूफान, अब ये इनको साफ नहीं रहने देगा। और इसने ये एक छोटी सी और डिब्बी उठा ली मेरी, इसमें सारी ना छोटी वाली लिपस्टिक्स रखी हुई हैं। अब ये इसको खोलने की कोशिश करेगा, इसको पता है इसमें भी कुछ है। ये सारे निशान इसमें पड़ गए, और ये देखो इतनी जिद करने लग गया चीजों के लिए, कहीं ना कहीं इसको हाथ मारने के लिए कुछ चाहिए रहता है। देखो क्या कर रहे हो आप, जाना नहीं है, अब जाना नहीं है, हैं? आप तो हाथ गंदे कर रहे हो, अपनी लेग्स गंदी कर रहे हो। इतना शुक्र है कपड़े बच गए। अब इसके हाथ में ये लगा हुआ है छोटी सी डिब्बी, इसमें भी छोटी वाली लिपस्टिक्स रखी हुई है मेरी, अब इसको वो खोलनी है, उसी के पीछे पड़ा हुआ है। देखो दिमाग इसका वहीं चल रहा है कि ड्रेसिंग टेबल में वहां कुछ पड़ा है और वो निकालना है। इसको मजा आता है उसमें उंगलियां डाल के, वो ना कलरिंग सी वो निकलती है जो। चलो उधर नहीं तो इधर शुरू हो जाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बस अभी मैं भी नहा के तैयार हो रही थी, तो तैयार होते होते मैंने इसको देखा, अभी मैंने बाल वाल ऐसे ही बांध लिए फटाफट से, तो मैंने देखा फटाफट इसने अपने पूरे हाथ वाथ रंग गए हुए इसने लिपस्टिक से, पता नहीं कभी ये मेरी चीजें वहां से उठा लेता। बेड ना बिल्कुल ड्रेसिंग टेबल के साथ लगा हुआ है, तो मैं जब यहाँ पे तैयार होती हूँ ना, सामान वगैरह निकालती हूँ, तो पता नहीं कभी चुटकू सा हाथ है इसका और अंदर ले लेके सामान निकाल लेता और लेके बैठा हुआ। और जब मैंने देखा इसकी हालत, इतना शुक्र है कपड़े बच गए, नहीं तो मुझे वो भी चेंज करने पड़ते और साथ के साथ धुलने भी पड़ते, क्योंकि फिर ये कलर अगर मैं ऐसे ही रख देती कपड़ों को फिर कलर नहीं जाता इसका। दक्षु शरारती बच्चा, अभी इसकी कॉम करनी है, ऑयलिंग कर दी थी मैंने इसके हेयर्स में, सुबह वॉश किए थे, तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ी देर में करती हूँ। मैं भी तैयार हो रही थी, अभी कॉम वगैरह मुझे भी करनी है, बाल ऐसे ही बांध रखे हैं मैंने। और इसके पापा अभी कुछ काम से गए हैं, बाइक वॉशिंग करवानी थी वो करवाने गए हैं, तो मैंने कहा चलो फटाफट से तैयार हो जाते हैं इनके आने से पहले, नहीं तो फिर ये बोलेंगे तुम दोनों ऐसे घूम रहे हो तैयार नहीं हुए।
सो गाइस, आ चुकी हूँ मैं सरोजिनी नगर मार्केट, जहाँ से दुनिया की सबसे सस्ती शॉपिंग आप लोग कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे एक्चुअली मुझे अपना एक सूट चेंज करवाने आना था। थोड़े दिन पहले मैं सरोजिनी नगर से कुछ शॉपिंग करके गई थी। सरोजिनी नगर मार्केट का हॉल वीडियो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, और यहाँ की वीडियोस काफ़ी मैंने डाल रखी हैं। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, आप लोगों को मेरी उन वीडियोस से कुछ आइडिया मिल जाएगा, प्राइस वगैरह किस तरह से अभी यहाँ पर और किस तरह से शॉपिंग कर रहे हैं लोग, और क्या क्या शॉपिंग मैंने किस शॉप से की है। सभी शॉप नंबर के नेम्स और नंबर्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरी उस वीडियोस में। तो मैं यहाँ से 2-3 सूट लेके गई थी, अपने पूरा कुर्ती एंड प्लाजो का सेट लेके गई थी। तो एक में कुछ साइज़ में डिफरेंस आ रहा था प्लाजो के साइज़ में। वैसे उन्होंने ना, मतलब कुर्ती और प्लाजो जो मुझे दिया था, प्लाजो का साइज़ कुछ और था और कुर्ती का साइज़ कुछ और था। तो इस वजह से कुर्ती तो सही थी बट प्लाजो उसका टाइट था, वो चेंज करवाने आना था मुझे, और वो मेरा चेंज हो चुका है। एंड मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए थोड़ा सा विज़िट कर लेती हूँ मार्केट का, दिखा देती हूँ आप लोगों को किस तरह से है अभी मार्केट, और रेट वगैरह आप लोग देख ही सकते हैं बहुत ही डाउन रेट चल रहा है अभी यहाँ पे। डाउन रेट क्या, शुरू से रेट ऐसे ही हैं। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की है, कुछ शॉपकीपर्स ने जो पटरी मार्केट की शॉप लगाते हैं, जो दुकानदार हैं पटरी मार्केट लगाते हैं, उन लोगों ने अपने प्राइस टैग में काफ़ी चेंजेस किए हैं। उन्होंने काफ़ी मतलब डाउन कर लिया है रेट। आप देखना किसी किसी शॉप में जाके, ज़्यादातर शॉपकीपर्स ने ना अपने प्राइस टैग चेंज कर लिए हैं, नंबर ही चेंज कर दिए हैं। 50 वाली, मतलब 100 वाली चीज़ 50 में दे रहे हैं, 150 वाली 100 में दे रहे हैं, 200 वाली 150 में दे रहे हैं, इस तरह से उन्होंने टैग ही चेंज कर दिए। तो काफ़ी अच्छी मार्केट है। मैं अपना जो भी छोटा मोटा सामान भी अगर मुझे लेना होता है तो मैं यहीं आती हूँ। एक्चुअली थोड़ी सी दूर भी पड़ जाती है ये मेरे को आने के लिए, बट मैं फिर भी वेट कर लेती हूँ कि चलो एक दो सामान मेरा इकट्ठा हो जाता है लेने वाला, या कोई भी कपड़े वगैरह या दक्ष के कपड़े वगैरह, तो मैं यहीं से लेके जाती हूँ, क्योंकि यही मार्केट मुझे शुरू से बेस्ट लगती है और कॉलेज टाइम से मैं यहीं से शॉपिंग करती हूँ। यहाँ का सामान मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ट्रेंडी सामान मिल जाता है यहाँ से, फुटवेयर्स मिल जाते हैं और कुर्तीज़ मिल जाती हैं, टॉप मिल जाते हैं, ट्राउज़र्स, लोअर्स, आप कुछ भी ले लीजिए, काफ़ी ट्रेंडी यहाँ पे सामान मिलता है और रीज़नेबल मिलता है, वो आप लोगों को पता ही है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से अभी शॉपकीपर्स, और पूरा मार्केट का मैं व्यू आपको दिखा देती हूँ। तो बस यहाँ से मेरा काम हो चुका था और हम आ गए थे एक और दुकान में, छोटी सी एक शॉप थी यहाँ पे, और ये सामने आप देख सकते हैं, ये ना मेट्रो की साइड से है ये एंट्रेंस इधर से। तो यहाँ पे एक ये कॉर्नर में एक शॉप थी, तो यहाँ पे आ गए थे हम कुछ खाने पीने के लिए, और दक्ष भी काफ़ी गोदी में परेशान सा हो रहा था। हमने कहा चलो यहाँ पे थोड़ा सा खेल लेगा और थोड़ा सा घूम लेगा, इसलिए इसको ज़्यादा हम इधर उधर टच भी नहीं करने दे रहे थे। जैसा कि आपको पता है माहौल कैसा चल रहा है यहीं पे, ये छोटी छोटी साइड शॉप्स जो लगी हुई हैं, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। 150-100 इस तरह से यहाँ पे आपको कुर्तीज़ वगैरह मिल जाएंगी। और ये दक्ष के पापा यहाँ पे कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रहे थे, और दक्ष के लिए कुछ ले रहे थे हम यहाँ से, और मोमोज़ वगैरह खाए थे यहाँ पे, काफ़ी अच्छे मोमोज़ मिलते हैं। और यहाँ से फिर हम थोड़ी देर में निकल गए थे अपना खा पी के, क्योंकि बच्चे के साथ ज़्यादा बाहर घूमना ठीक भी नहीं, और मुझे इतना कोई सामान कुछ लेना भी नहीं था, सिर्फ मुझे अपना एक सूट चेंज करवाना था तो वो मेरा हो गया था। और उसके बाद हम आ गए थे सीधा घर। बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बच्चा था साथ में, आप लोगों को पता है कैमरा हैंडल करना बच्चे के साथ कितना मुश्किल हो जाता है। और बस घर आते ही सबसे पहले मैंने अच्छे से हाथ मुंह धोया हैंड सैनिटाइज़ करके, और दक्ष को भी सैनिटाइज़ करके उसके भी हाथ मुंह धो के उसके कपड़े चेंज कर दिए थे, और मैंने भी अच्छे से कपड़े चेंज कर दिए थे। और मैं यहाँ पे अपना फेस वॉश कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी आज बाहर, तो धूप की वजह से ना बहुत ज़्यादा हैंड्स वगैरह में, बाजुओं में और फेस पे टैनिंग हो जाती है। तो मैं एक फ़ेस वॉश लेकर आई थी वहाँ से, सरोजिनी नगर मार्केट से, जब मैंने पहले का शूट किया था, आप लोगों ने देखा भी होगा।
मैंने आप लोगों के साथ हॉल वीडियो में भी शेयर किया था कि मैं कौन सा प्रोडक्ट वहाँ से लेकर आई हूँ। एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो अभी मैं इसको थोड़े दिन और यूज़ करके क्या इसका रिज़ल्ट है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर किसी को चाहिए होगा तो आप लोग भी वो ले सकते हैं, मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूँगी अगर मुझे उससे कुछ रिज़ल्ट पॉजिटिव मिला तो। और अच्छे से मैंने यहाँ पे अपने पैर वगैरह भी वॉश कर लिए थे, साबुन से अच्छे से धो लिए थे, क्योंकि अच्छे से धोना पड़ता है हाथ मुंह फेस वगैरह, आप लोगों को पता ही है कैसा माहौल चल रहा है। तो बस आते आते हमने रास्ते से मैकडी से बर्गर ले लिए थे, तो बस थोड़े थोड़े ठंडे हो गए थे। आपको पता है वहाँ पे बैठ के खाने का हमारा प्रोग्राम बना नहीं, तो लेकर आओ इस तरह से तो रास्ते में ठंडा तो हो ही जाता है इस तरह का सामान। तो यहाँ पे आके फिर हस्बैंड बोलने लगे कि चलो मैं इसको गर्म कर देता हूँ ओवन में, तो मैं बस वहीं यहाँ पे निकाल के प्लेट में रख रही थी और इन्होंने फ्रिज में से बटर निकाल लिया था। तो ये बटर लगा के इसके ऊपर या इसके अंदर लगाएंगे या ऊपर लगाएंगे, तो करके फिर ये गर्म करके फिर, और रास्ते में से कोक भी ले आए थे आते आते शॉप से। तो बस वही हम थोड़ा सा अपना शाम का ये थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी भूख लग रही थी और बहुत दिन से मन भी कर रहा था मैगटी का बर्गर खाने का, क्योंकि स्पेशली प्रोग्राम बन नहीं पाता जाने का, बच्चे के साथ अभी बहुत ज़्यादा रिस्की है बाहर कहीं जाना, तो हम बहुत सोच समझ कर बाहर जाते हैं। तो आज मजबूरी थी, बस जाना पड़ा मुझे अपना सूट चेंज करवाने के लिए। तो चलो फाइनली मेरा सूट वगैरह तो चेंज हो गया, ये काम हो गया अब, क्योंकि ज़्यादा डिले कर भी नहीं सकती थी मैं, सूट जितनी जल्दी चेंज हो जाता मेरा उतना मेरे लिए ठीक था, क्योंकि फिर शॉपकीपर यार थोड़ा सा ना परेशान करते हैं, फिर वो जल्दी चेंज नहीं करते हैं अगर ज़्यादा बीच में गैप पड़ जाए तो। मैंने कहा यार किसी काम भी नहीं आएगा अगर उसने चेंज ना किया और ये ऐसे ही पड़ा का पड़ा रह जाएगा, तो बस मुझे इस वजह से था कि मैं फटाफट से मेरा ये सूट चेंज हो जाए। और गाइस यहाँ पे हमारे बर्गर हो चुके हैं गर्म और इनके ऊपर की साइड ये बटर लगा देंगे और उसके बाद फिर हम खाएंगे। एंड गाइस ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी मेरी वीडियोस रेगुलर आ नहीं पा रही हैं क्योंकि थोड़ा सा फिजिकल इश्यू चल रहा है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है एंड बेबी छोटा है आप लोगों को पता है, उसके साथ मैं डेली व्लॉगिंग करना मेरे लिए पॉसिबल हो नहीं पाता। व्लॉगिंग तो खैर कर लेती हूँ बट एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, एडिटिंग करने के लिए मुझे प्रॉपर टाइम चाहिए होता, आपको पता ही है कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो खैर चलिए होता रहेगा ये काम। और कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।